गाइज, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारी टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे हम लोग हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अदर सपोर्टिंग फाइल्स जो हमें रिक्वायर है ये पूरा ट्रेलर क्रिएट करने के लिए। तो उन सब फाइल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम लोग इनको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग जो हमारी बैकग्राउंड साउंड है या फिर आप कह सकते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑडियो ट्रैक के ऊपर। देन हम लोग हमारी जो मेन बैकग्राउंड क्लिप है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वीडियो ट्रैक वन के ऊपर। देन हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने क्रिएट किया फोटोशॉप के अंदर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक टू के ऊपर। देन इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे ट्रैक थ्री के ऊपर, ट्रैक टू को हम लोग एम्प्टी रखेंगे और डबल क्लिक करके वीडियो के अंदर जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लूजन पे। यहाँ पे हमको हल्की सी शेडो मिलेगी टेक्स्ट के साथ में और इसके ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और हमारे बैकग्राउंड क्लिप की ड्यूरेशन के साथ में मैच करवाएंगे। अब हम लोग प्ले हेड को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एनिमेशंस में जाएंगे और यहाँ पे इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस करके जीरो पे कर देंगे। अब हम लोग हमारे प्ले हेड को रन करेंगे और उस पॉइंट पे लेके जाएंगे जहाँ पे हमको हमारे टेक्स्ट को विजिबल करना है और ये सिंक करना है हमको हमारे बैकग्राउंड के साथ में। तो उस पॉइंट पे प्ले हेड को रखेंगे और स्केल को यहाँ पे हम इंक्रीज कर देंगे 80% पे और अब फर्स्ट की फ्रेम को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और इसको हम लोग अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो पूरी तरह से सिंक हो जाए हमारे बैकग्राउंड के साथ में। देन हम लोग प्ले हेड को फर्दर लेके जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे हम लोग स्केल को इंक्रीज कर देंगे और कर देंगे 95 पे एंड अब प्ले हेड को क्लिप के एंड में लेके जाएंगे या आप कह सकते हैं टेक्स्ट के एंड में और यहाँ पे स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 400% पे। अब हम लोग हमारे बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे और फर्दर पेस्ट करेंगे और बैकग्राउंड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे ट्रैक टू के ऊपर। इसको ओवरलैप करेंगे हम लोग हमारे प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ में, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड को हम लोग एडजस्ट करेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग बैकग्राउंड में जो ब्लैंक आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे एंड देन हम लोग जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक फोर के ऊपर और इसकी भी हम लोग पोजीशन को अलाइन करेंगे जो हमारा सेकंड बैकग्राउंड है उसके साथ में और डबल क्लिक करेंगे और इसकी पोजीशन को हम लोग वाई एक्सेस पे हल्का सा अलाइन करेंगे एंड देन स्केल को रिड्यूस कर देंगे हम लोग जीरो पे और प्ले हेड को रन करेंगे और अगेन हम लोग उसी पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हमको टेक्स्ट को विजिबल करना है एंड देन यहाँ पे अब हम लोग इसकी स्केल को कर देंगे 80 पे। जो हमारा टेक्स्ट क्लिप है इसको हम लोग मैच करवा देंगे हमारी बैकग्राउंड क्लिप के साथ में। देन थर्ड पॉइंट पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे स्केल को हम लोग 95 पे कर देंगे, प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके आएंगे और स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 400% पे और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जीरो पे कर देंगे। अब हम लोग जो हमारी एक्स्ट्रा क्लिप है जो हमको इसके अंदर सिनेमैटिक क्लिप डालनी है वो क्लिप को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और जितना हमको इसमें से पार्ट रिक्वायर है उतने पार्ट पे हम लोग प्ले हेड को लेके जाएंगे और उतने पार्ट पे हम लोग इसको कट करेंगे जितना पार्ट हमें रिक्वायर है। रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग फर्दर शिफ्ट कर देंगे एंड अब इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे अलाइन करेंगे। आप इसकी स्पीड को भी आप लोग अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसकी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पीड को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इस क्लिप की स्पीड को। मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को कर रहा हूँ 1.05 पे, तो ये परफेक्टली मैच हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे तो फर्दर टेक्स्ट भी हम लोग जैसे हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो बैकग्राउंड क्लिप को हम लोग कॉपी कर लेंगे, उससे पहले हम लोग हमारी क्लिप को शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बीच में हमको एक लेयर ब्लैंक चाहिए तो ट्रैक टू को हम लोग ब्लैंक रखेंगे और बैकग्राउंड क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड फर्दर टेक्स्ट को भी हम लोग सिमिलर पैटर्न के अंदर क्रिएट करेंगे। फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग जो लाइटनिंग है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग ट्रैक टू के ऊपर और डबल क्लिक करके हम लोग वीडियो के अंदर जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग कलर डॉज के ऊपर कर देंगे और कलर्स के अंदर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे।
एंड सेम हम लोग फर्दर लाइट्स को भी इसी तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। लाइट क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग स्मोक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक टू के ऊपर और डबल क्लिक करेंगे इस पर और वीडियो के अंदर जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे 20-30% के बीच में रखेंगे। मैं यहाँ पे 20% पर रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सेम तरीके से हम लोग फर्दर स्मोक को भी क्रिएट करेंगे। देन रेनफॉल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर और इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट करेंगे हम लोग हमारी क्लिप के ड्यूरेशन के साथ में। एंड रेनफॉल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे कर देंगे। अब फर्दर रेनफॉल भी हम लोग इसी तरह से क्रिएट करेंगे सभी टेक्स्ट के ऊपर। अब हम लोग हैवी विंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर यानी कि टॉप लेयर के ऊपर और इसकी भी ड्यूरेशन को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेशन को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट विजिबल होना चालू हुआ है आप वहाँ से भी हैवी विंड को स्टार्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे करेंगे और ओपेसिटी को हम लोग 50% पे करेंगे और सेम पैटर्न से हम लोग इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे फर्दर क्लिप्स के ऊपर। एट द एंड हम लोग जो हमारी थंडर साउंड है उसको हम लोग अलाइन करेंगे हमारी लाइटनिंग इफेक्ट जहां पे है उसके साथ में। थंडर को अलाइन करने के बाद में अब हम लोग इफेक्ट के अंदर जाएंगे और फ्रेम के अंदर सिनेमैटिक बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर, इसको एक्सटेंड कर देंगे टिल एंड। अब हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी क्लिप को नाम दे देता हूँ द थ्रोन गेम ट्रेलर एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्वालिटी बेस्ट पे रखेंगे एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं कैसा लगेगा ये ट्रेलर।